सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ओवर चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं कुछ ऐसी ट्रिक एंड ट्रिप्स बताने वाला हूं। अगर आप लोग उनको अपनी वीडियो के अंदर फॉलो करोगे, उसके बाद में शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करोगे, तो आप लोगों को काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे और आपकी शॉर्ट वीडियो है उसके वायरल होने के भी काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोग कुछ स्टेप लेकर के आया हूं, आप लोगों उनको फॉलो करनी है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी जनों को क्या करना है, YouTube शॉर्ट को YouTube के ऐप के अंदर से अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड करते समय आप अपलोड वीडियो के ऑप्शन के अंदर से अपलोड मत करो, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, वहां पर लिखा होता है अपलोड शॉर्ट्स वीडियो। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करते समय आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जो आपकी वीडियो है वो 15 सेकंड तक की ही वीडियो होनी चाहिए, इससे ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा सेकंड की वीडियो अगर आपकी होगी तो फिर वो शॉर्ट के अंदर अपलोड नहीं होगी, वो वीडियो के अंदर अपलोड होगी और यहाँ पर जो यूट्यूब को नहीं पता रहेगा कि फिर शॉर्ट वीडियो या फिर अपलोड होते, यहाँ पर मिसलीड हो जाएगा और आपकी वीडियो यहाँ पर वायरल नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 15 सेकंड की वीडियो को ही अपलोड करना है, यूट्यूब के ऐप के अंदर से अपलोड करना है, अपलोड शॉर्ट्स वीडियो का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप लोग अपलोड कर लेना, ये चीज आप लोगों को कम्प्लीट कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों, आप सभी जनों को क्या करना है, जो शॉर्ट वीडियो का जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, यहाँ पर काफी सारे बंदे क्या गलती करते हैं, वो हैशटैग प्रॉपर यहाँ पर नहीं डालते हैं। आप लोगों को क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने कुछ हैशटैग डाल देने हैं। ज्यादा की रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग 10 से यहाँ पर जो 15 हैशटैग तो यहाँ पर डाल ही दो। जैसे कि आप लोग कोई फनी वीडियो बना रहे हो या फिर कोई जिम से रिलेटेड या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो, तो आप लोग वहां पर कुछ ना कुछ हैशटैग डाल दो, जैसे मोटिवेशनल, जिम, जिम लवर, फनी, इस तरीके से अपनी कैटेगरी रिलेटेड कम से कम 10 से 12 यहाँ पर हैशटैग डालने कि यहाँ पर कोशिश जरूर से करो। इसके बाद में दोस्तों, कई बार मैं काफी सारे बंदों के यहाँ पर टाइटल देखता हूँ तो शॉर्ट के टाइटल काफी लंबे और बड़े चौड़े यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जनों को ऐसा नहीं करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स के टाइटल भी आप लोगों को एकदम शॉर्ट रखने हैं और शॉर्ट के टाइटल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस भी यहाँ पर जो क्रिएट करके रखना है। उससे क्या होगा, बंदे आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो को यहाँ पर देखेंगे। और यूट्यूब शॉर्ट का जब भी आप लोग टाइटल रखो, टाइटल के अंदर हैशटैग लगा करके शॉर्ट यहाँ पर लिखो और मेंशन करो, ताकि उससे यूट्यूब को भी पता चले कि ये शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट वीडियो का यहाँ पर जो है टाइटल है। इसके बाद में दोस्तों, बात करते हैं काफी सारे बंदे क्या करते हैं, वीडियो के अंदर क्वालिटी बिल्कुल नहीं रखते हैं। दोस्तों, ये यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये आपकी शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर आप लोग जितनी अच्छी क्वालिटी रखोगे, उतनी देर तक ऑडियंस टिक करके आप लोगों को देखेगी। और साथ ही साथ में आपको वीडियो के साथ में थोड़े से ऑडियो क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। कई बार अच्छा होता है कि हम कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं, उसका ऑडियो हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है और हम यहाँ पर वीडियो बैठ करके देखने लग जाते हैं। कई बार ऐसी वीडियो हमारे सामने आती है, मोटिवेशनल लाइक की वीडियो होती है, तो उनके साउंड काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो वो भी काफी सारे जो व्यूअर हैं उनको हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोग भी इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। अगर आप लोग अपनी वीडियो के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं रखते हो, तो आप लोग कोशिश करो अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की, क्योंकि ये वीडियो जो होती है काफी शॉर्ट वीडियो होती है, तो आप लोग अपलोड करोगे तो भी इसके अंदर इतने MB यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि वीडियो की जो क्वालिटी अच्छी हो, साथ ही साथ में इसका ऑडियो भी अच्छा हो। दोस्तों, लास्ट के अंदर आप लोगों को बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। काफी सारे भाई लोग एक गलती कर देते हैं कि एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी, 15 दिन तक गायब है, फिर आप उस 2-3 शॉर्ट वीडियो डाल दी और किसी दिन ज्यादा भी शॉर्ट वीडियो डाल दी, इस तरीके से काम करते हैं, तो आप लोगों को ऐसे काम नहीं करना है। यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यूट्यूब को आप एक जॉब की तरह मान करके चलो और जॉब की तरह काम करो, तो आप लोगों की रील ज्यादा से ज्यादा वायरल होगी, आपका शॉर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होगा। तो शॉर्ट आप लोगों से करना, आप लोगों को ठान लेना कि भाई आप लोग एक दिन छोड़ करके एक दिन डालो या फिर आप लोग डेली एक ही यहाँ पर डालो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दिन का एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को डालना ही डालना है। आप लोग कैसा भी डालो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को एक डालना ही डालना है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों जो YouTube का इम्प्रेशन है, जो उसकी रीच है, वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, उतने ज्यादा यूट्यूब लोगों तक इम्प्रेशन भेजेगा। यानी कि अगर आप लोगों के YT स्टूडियो के अंदर या फिर आपके जो शॉर्ट वीडियो का अकाउंट है उसके अंदर 1 लाख की रीच जाएगी, तो आप लोगों जो बंदे हैं उसके पास में जो इम्प्रेशन है वो कम से कम 50,000 लोगों तक जाएगा। 50,000 लोगों से 30,000 लोग देखेंगे, तब जाकर आप लोगों को 30,000 व्यूज यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोगों को यही कोशिश करनी है कि मेरी राय मानो तो दिन की एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को डालनी है, तब जाकर के यूट्यूब को भी लगेगा कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तो एटलीस्ट एक वीडियो तो यहाँ पर वायरल करवा ही दी जाए। आप लोग इन चीजों को काम में लोगे तो आप लोगों की शॉर्ट वीडियो जो है वायरल हो जाएगी। तो चलो, इन सारी चीजों से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और आप लोगों को जानने के लिए भी मिला होगा कि भाई शॉर्ट के लिए किस तरीके से काम करते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी बंदा पूरे मन से सारी चीजों को फॉलो करता है, तो उसकी वीडियो 110% यहाँ पर वायरल हो ही जाएगी। तो चलो, इस वीडियो से इतना ही रखते हैं और काफी ज्यादा सीखने को मिला होगा। आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए आपका अपना चैनल यूट्यूब।